हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ डॉक्टर आकाश, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अरे गर्मी बहुत ज़्यादा करा रखी है भाई। मैं ऐसे आज वॉक करने के लिए निकला। पहली बात तो घर से इजाज़त नहीं है निकलने की बिल्कुल भी, पर किसी तरीके से आज इजाज़त लेकर मैं निकला वॉक करने के लिए। और मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि भाई ये मौका मिस नहीं करना चाहिए और कुछ कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातें। और 5-10 मिनट मैं कुछ सुना कर जो है फिर मैं विदा लूँगा आप लोगों से। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आज जुमेरात है और जुमेरात को अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जो दिल्ली की दरगाहें हैं वो भरी रहती हैं, कव्वाली वगैरह होती है, सब होता है। और इसी मौके पर जो है आजकल हज़रत अमीर खुसरो का उर्स मुबारक भी चल रहा है। तो मुझे किस्सा याद आया, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को लेके। तो वैसे तो बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं इन लोगों के, जिसमें जो है पूरी शाम आप गुजार दीजिए और फिर भी जो है वो किस्से ख़त्म ना हो। तो पर मैं एक किस्से में जो है इनकी मोहब्बत जो है वो बयां करूँगा। तो एक बार क्या हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, महबूबे इलाही, शक्ल दिखाइए, अरे कुतुब मीनार सामने है तो देखता वो देख लो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उनके यहाँ जो है जो भी उनके लंगर खाने में तोहफे वगैरह आते थे, तो उनके यहाँ दस्तूर ये होता था कि हर शाम को लंगर खाने में झाड़ू फेर देनी होती है। अब लंगर खाने में झाड़ू फेरने का मतलब ये कि एक भी अन्न का दाना ना बचे, जितने भी कोई गरीब आए उसको जो है वो तकसीम कर दिया जाए। और वैसे उनके पास जो उपहार तोहफे वगैरह आते थे वो ज़रूरतमंदों को जो है वो दे दिया करते थे। तो एक बार जो है एक ज़रूरतमंद जो हैं उनकी दहलीज़ पर आए और उन्होंने जो है उनसे अर्ज़ किया। अब इसमें दो बातें हैं, वो जो ज़रूरतमंद हैं उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी है और मुझे जो है आप कुछ इमदाद करें, मेरी कुछ जो है वो मदद करें। एक दूसरी थ्योरी है जिसमें वो साहब कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ज़रूरत है, बेटी की शादी नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी थ्योरी जो है वो अपना सकते हैं। बहरहाल वो साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है पैसों की दरकार है, आप कुछ जो है वो हो सके तो जो है वो मदद कर दीजिए। तो ये कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उन्होंने फरमाया कि सुबह से जो है कोई कोई आया नहीं है किसी तरह का तोहफा या उपहार लेकर। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो इंतज़ार करो और कोई आएगा तो जो आएगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा। अब वो जो साहब थे वो बैठे रहे और देर शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो जब कोई नहीं आया तो ये कहा जाता है कि महबूबे इलाही ने, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी जूतियाँ उनको दे दी कि तुम आए हो, अब मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जो है भेज सकता। उन्होंने जो है उनको जूतियाँ दे दी। अब ये साहब जो है अपने निकले सफ़र पे। अब ये कहा जाता है कि तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो जो हैं वो दिल्ली के एक शहज़ादे के साथ गए हुए थे मुल्तान की तरफ, एक जो है फौजी मुहिम पर। तो रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, तो एक सराय में जो है वो रुके और उसी सराय में जो है वो साहब भी थे जो जूतियां लेकर आए थे। तो जब हज़रत अमीर खुसरो ने वो जूतियां देखी तो फौरन जो है उस साहब के पास पहुंचे, उनसे जो है क्योंकि उन्होंने उन जूतियों को पहचान लिया कि ये मेरे गुरु की जूतियां हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद की जूतियां हैं। वो फौरन जो है उस साहब के पास गए और उनसे जो है अपने अपने पीर के बारे में जो है उन्होंने उनसे उनसे पूछा कि वो कैसे हैं। और
जो है वो जो शख्स था उसने जो है पूरा हाल कह सुनाया कि मैं गया था, मुझे कुछ मिला नहीं, तो महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे ये जूतियाँ दे दी। तो ये कहा जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो ने उनके पास जितनी दौलत थी उन्होंने वो दौलत देकर वो जूतियाँ खरीद ली। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहने में सुनने में बड़ा हल्का लगती है, ये वाली कहानी बड़ी हल्की लगती है, पर अगर इसको सोचा जाए तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्ने में जो बहुत भारी भरकम कहानियाँ कही गई हैं, जो बातें हुई हैं, ये उनमें से एक जो है वो आती है। अब हज़रत अमीर खुसरो जो हैं उन जूतियों को अपने सर पर रख कर जो है वो दिल्ली आए, और आते ही जो है वो गयासपुर में, जो जिसे आज हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती कहा जाता है, वहाँ पहुँचे और वहाँ अपने पीर से मिले और जो है उन्होंने वो जूतियाँ जो हैं उनके पाँव में पहनाई। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो से पूछा कि ए तुर्क, तो उनको जो है वो तुर्क बोला करते थे कभी कभी, उन्होंने बोला कि ए तुर्क ये जूतियाँ तुमने कितने में खरीदी। तो हज़रत अमीर खुसरो बड़ी मासूमियत से जो है वो अर्ज़ करते हैं कि उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने वो सारे के सारे जो हैं उस शख्स को दिए और ये जूतियाँ खरीद ली। पता है महबूब इलाही क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ए तुर्क तूने सस्ती खरीद ली। इसी तरह के बहुत सारे किस्से जो हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो के बीच के बहुत सारे किस्से जो हैं वो मशहूर हैं। अभी हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में जो है उनकी मज़ार मुबारक के पास जो है उनका उर्स चल रहा है, पर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इस बार जो है हम लोग उस उर्स में जो है वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल मैं वापस इस तरह की जो सूफियाना बातें हैं, और ये क्योंकि ये बड़ी एक रहस्यमयी दुनिया है, और इस रहस्यमयी दुनिया का जो सबसे एक अभिन्न अंग है, वो आप माने ना माने, वो अभिन्न अंग है जिन्नात। तो हमारे घर में जो है कहानी बड़ी मशहूर रही जो है वो सुनाते आए हैं, मैं वो कहानी जो है आप लोगों को सुनाता हूँ। अब ये एक किताब में भी इस कहानी का जिक्र है, अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, आवाज़ अभी भी आ रही है ना? ओके, शक्ल दिखाने की जो है वो फरमाइश आ रही है। तो हाँ, जो रात में जो है हमारे बुज़ुर्ग नानी या अम्मा जो है हमारी कहानियाँ सुनाया करती थी, उनमें एक कहानी बड़ी मशहूर है, ये है सैयदानी बी की। तो ये कहा जाता है कि जब मुग़ल हुकूमत का जो जलाल है वो ख़त्म हुआ और वो सिर्फ़ एक चिराग की शक्ल में जो है वो जल रही थी, तो उसी वक्त जो है बहुत सारे किरदार जो है दिल्ली वालों ने देखे, मतलब दुनिया ने दिल्ली में देखे, और उनमें किरदार थी सैयदानी बी। सैयदानी बी के बारे में कहा जाता है कि उनके जो घर वाले हैं उनमें तो कोई बचा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि ये गदर के बाद की है, 1857 के बाद की, और कुछ कहते हैं कि उससे ज़रा पहले की ये कहानी है। तो सैयदानी बी जो हैं उनके घर में जब कोई नहीं बचा तो एक मीर साहब उनको अपने घर ले गए, और क्योंकि सैयदानी बी जो हैं वो आप उनको कैसे तसव्वुर करेंगे, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी चश्मे बद्दूर, ये नई वाली नहीं पुरानी वाली फारूक शेख साहब की। तो फारूक शेख साहब की जो मूवी है उसमें जो बूढ़ी अम्मा होती हैं आप उनमें जो हैं सैयदानी बी को जो है वो तलाशें। तो सैयदानी बी जो हैं क्योंकि वो मुग़लों में बड़े बड़े मुग़ल ख़ानदानों में जो है वो रहीं, बड़े बड़े रईसों में जो है उनका उठना बैठना था, तो पहले अगर किसी को घर में रखा भी जाता था तो पहले उसके बड़े तौर तरीके देखे जाते थे, क्योंकि उससे जो है आपके बच्चों पर जो है वो फ़र्क पड़ता था। तो सैयदानी बी को जो है मीर साहब अपने घर ले आए कि बड़ी बूढ़ी हैं और जो हैं वो घर में रहेंगी, बच्चों के आसपास रहेंगे, तो बच्चे जो हैं उनसे कुछ सीखेंगे ही। तो
अब सैयदानी बी के बारे में बड़ी ये बात जो है वो मशहूर थी पूरी ही दिल्ली में कि सैयदानी बी जो हैं वो जिन्नातों से मिलकर आई हैं। उन्होंने जो है जिन्नातों के जो है वो शादी जो है वो में जो है उन्होंने शिरकत किया है। अब पूरी दिल्ली में जो है ये वाली बात मशहूर थी। तो मीर साहब की जो बीवी हैं वो जो है रात में जब सारे बच्चे सो गए और जब सब ये लोग सोने के लिए जाने लगे तो उनसे जो है पूछती हैं कि ऐ बड़ी बी, ये बात सही है क्या कि मतलब सच में आप जिन्नों से मिलकर आई थी? तो यहाँ जो है वो वाक्या बयां करती हैं। तो कहती हैं कि अब अभी का तो मुझे पता नहीं, पर पहले क्या होता था कि शादियों में जोड़े टाके जाते थे, जो लड़के वालों के यहाँ से लड़कियों वालों के यहाँ जाते थे या लड़की वालों के यहाँ से लड़के वालों के यहाँ आते थे तो जोड़े जो है वो टाके जाते थे। तो सैयदानी बी जो है वो फरमाती हैं कि एक रोज़ जो है कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे यहाँ ब्याह है और आपको जो है हमारी शहजादी के जोड़े टाँकने हैं। अब शाम का वक्त था, अब वो जो है उनके साथ डोले में बैठकर जो है वो चली गई। अब जो है वो चले जा रही हैं, डोले में चले जा रही हैं, अब कहाँ जा रही है उन्हें पता नहीं। जंगल जो है वो पार कर दिया और कुछ पहाड़ भी जो है वहाँ आ गए और फिर थोड़ी देर में उन्हें खबर हुई कि वो जो है वो उनका जो डोला है वो उड़ रहा है। तो जैसे ही वो डोले के बाहर बड़ी हिम्मत करके झांकने की कोशिश करती हैं तो देखती हैं कि जो कहार हैं जिन्होंने वो डोला उठाया हुआ है उनके पांव जो हैं वो बकरों के जैसे हैं। अब ये देखकर वो डर जाती हैं, मतलब उनकी एकदम सिट्टी पिट्टी घूम के वो करें तो करें क्या। खैर बहरहाल वो जो है जब्त करती हैं और उसी डोले के अंदर बैठे रहती हैं। और जब वो डोला एक महल के सामने उतरता है तो उनकी बहुत अच्छे से उनका स्वागत होता है, उनकी अगुवाई होती है, वो अंदर जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो क्योंकि जिन्नातों की शहजादी थी तो जिन्नातों मतलब जो शहजादी थी जिन परी फीमेल जिन उसके जो वालिदैन हैं वो उनसे जो है वो काम करवाते हैं, उनसे जोड़े जो हैं वो टकवाते हैं। अब ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जो है ये जाना चाह रही हैं। तो जैसे ही वहाँ से निकलती हैं तो इनको इनाम के तौर पर जो जिन हैं वो बहुत सारे लाल और लाल मतलब हीरे जवाहरात जो हैं वो उनको देते हैं। अब ये लेकर आती हैं और जब डोले में बैठ जाती हैं तो अब ये बात कह रही हैं वो उनसे मीर साहब की बीवी से कि मुझे लगा कि मैं वहाँ गई और ना जाने मेरे हाथ में इन्होंने क्या पत्थर कंकड़ जो है वो थमा दिए, क्योंकि वो तो झोली में थे सारे के सारे हीरे जो थे और मोती जो थे। तो एक एक करके जो है मैंने वो जब तक मैं घर पहुँची वो बाहर डालने शुरू कर दिए कि ना जाने क्या बला है, मैं इनको घर लेकर जाऊँगी, इससे बेहतर है कि मैंने रास्ते में डाल दूँ। अब जो आखिरी जो है हीरा बचा था उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही वो घर के पास पहुँचने वाली थी उन्होंने जो है उसको जैसे ही थोड़ी रोशनी आई जैसे ही उसको मतलब फेंक ही दिया था तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो पत्थर नहीं फेंक रही थी, वो बेशकीमती हीरे और मोती जो है वो फेंक रही थी। तो इस तरह के किस्से जो है वो बड़े मशहूर थे। 267 हो रहा है, मैं चाहूँगा कि अब आप जो हैं इस खूबसूरत नज़ारे का जो है वो लुत्फ लें। तो ये जिन्नों की कहानियाँ जो हैं ये बड़ी आम हुआ करती थीं और मन बहलाने के लिए जो है इनको सुनाया जाता था। जैसे जो बड़ी बड़ी सरायें होती थीं उनमें दुनिया भर के जो मुसाफिर हैं वो आकर जो है ठहरा करते थे, सौदागर आते थे, किस्सा गो आते थे, बड़े बड़े फनकार आते थे। और जब रात में जब ये महफिलें जमती थीं तो ये कहा जाता है कि हर जो किस्सा गो है या सौदागर है वो अलग अलग मुल्कों से जो है अलग अलग शहरों में जो है वो समंदर की यात्रा करके या पहाड़ों को जो है पार करके या रेगिस्तान को पार करके जो है वो इस तरीके से दूर दूर जगह से जो है वो आया करते थे। जैसे आज की डेट में हमारे जोस्टल वगैरह हैं एंड ऑल, हर जगह से ट्रैवलर्स आके वहाँ रुकते हैं, उसी तरीके से सराय में जो है आकर लोग रुका करते थे और शाम को जो है महफिल जमती थी। तो हर कोई जो है वो अपने मुल्क के जिनों के किस्से सुनाता था। जैसे कोई मिस्र का हुआ तो कहता था कि भाई हमारे यहाँ के जो जिन हैं उनकी जो आँखें हैं वो तिकोनी होती हैं
और कोई साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर वो दमिश्क से आए हैं, जैसे आप आजकल डमस्कस बोलते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ जो जिन होते हैं उनकी आँखें जो हैं एकदम लाल होती हैं। तो कोई साहब जो है शाम से सीरिया से जो है वो आए, तो उन्होंने जो है फरमाया कि भाई हमारे यहाँ के जो जिन होते हैं उनकी आँखें जो हैं वो चकोर होती हैं। तो इस तरीके से जो जिनों की कहानियाँ हैं वो स्टोरी टेलर्स के ज़रिए जो है वो मशहूर होती गई। अब अगर हम वापस दिल्ली में आए तो यहाँ ये कहा जाता है, जैसे फरोशा कोटला हो गया जिसके जिन जो हैं वो खासा मशहूर हैं, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक थ्योरी तो ये है कि 1970s में जब ये इमरजेंसी का दौर चल रहा था, तो वहाँ एक फ़कीर आए और उन्होंने जो है वहाँ ये पता लगाया कि भैया वहाँ जो हैं वो कुछ जिन्नात रहते हैं। एक थ्योरी ये है कि जो लोग ये दूसरी थ्योरी पर जो है वो लोग ज़्यादा यकीन करते हैं कि जो दिल्ली के बारे में जानते हैं या दिल्ली के बारे में उन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं जो अभी भी लोगों की आम लोगों से जो है वो कोसों दूर है, वो किताबें जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है या जो है वो आज भी जो है पुरानी लाइब्रेरीज़ में जो है वो ख़राब हालत में जो है वो पड़ी हुई हैं। तो ये कहा जाता है कि मैं वापस जो शुरुआत जब मैंने की थी सूफीज़म से, तो ये कहा जाता है कि जब ये सूफ़ी जो होते थे ये जब इबादत करते थे, अब सूफियों की इबादत, अच्छा अभी क्या हुआ है कि सूफियों की इबादत बड़े अलग तरीके से दिखाई जाती है कि भैया कव्वाली सुन ली या मज़ार पर जो है वो चादर चढ़ा दी, तो मतलब एक तरह से वो इबादत नहीं, वो इबादत वो बिल्कुल अलग है। सूफियों की इबादत होती थी जिसमें वो ज़िक्र करते थे और रात रात भर जो है वो जाग कर जो है वो इबादत करते थे, खुदा को याद करते थे, और हर खानकाह के अंदर, खानकाह बोले तो आश्रम के अंदर जो है, मोनास्ट्री के अंदर हर सूफी को जो है एक छोटा सा सेल जो है वो अलॉट हो जाता था, और उस छोटे से कमरे में जो है वो अपनी जानमाज एक जो प्रेयर कारपेट होती है वो बिछाते थे और उसमें जो है वो पूरी रात जो है वो काट दिया करते थे खुदा को याद करते हुए। उनका जो जो ये कपड़ा होता था जिसके ऊपर जो है वो बैठकर इबादत करते थे, ठीक उसके सामने उजाले के लिए एक चिराग होता था। अब ये चिराग किसी भी शक्ल में आप उसको तसव्वुर कर लें, जैसे मैं जब चिराग को तसव्वुर करता हूँ तो अलादीन के चिराग के मानिंद करता हूँ कि वो जल रहा है। कई बार तसव्वुर करता हूँ मिट्टी के चिराग की तरह और जिसमें जो है देसी घी पड़ा हुआ है। अब वो जो चिराग है, ये कहा जाता है कि जब आप जब ये सूफी हजरात जो हैं जब इबादत करते थे और अपने आप को जो है खुदा की इबादत में जला देते थे, तो उनकी इबादत और उनकी रूहानियत की खुशबू से इस तरह की शक्तियाँ जो हम जैसे आम इंसानों को नज़र नहीं आती हैं या कभी कभार महसूस हो जाती हैं, वो उनकी तरफ जो है आकर्षित होती थी। और क्योंकि जो जिन है उसको खुदा ने आग से बनाया है और वो जो है उसी की तरफ ज़्यादा जो है वो आकर्षित होता है, तो चिराग की जो लौ होती है वो सूफी के पास आए हुए जो जिन है वो उस चिराग की लौ में समा जाते थे। और ये कहा जाता है कि हर जिन का जो है अपना तरीका होता है खुदा की इबादत करने का। और जब दिल्ली लुटी, तो दिल्ली के लुटने के पिछली बार जब मैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले जब मैं आया था, तो दिल्ली किस किस तरीके से किस किस वक्त में लुटी मैंने उसका जिक्र किया, पर आखिरी दो बार दिल्ली का जो है मैं जिक्र करूँगा, जैसे 1857 जो हमारी पहली जंग आज़ादी है उसमें दिल्ली टूटी और अपने घुटनों पर आ गई। और ये कहा जाता है कि इस तरह की पुरानी खानकाहें और पुरानी हवेलियां जो हैं वो तोड़ दी गई। फिर 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ तो रही कसी जो कसर है वो अब निकल गई थी। तो ये जो जिन थे ये निकल निकल कर कहाँ गए, उन चिरागों से, उन चिरागों की लौ से जो उनके घर जो उनसे छीन लिए गए, जो उनके जो चिराग हैं वो तोड़ दिए गए, ये जिन जो है निकल निकल कर जो है ये कहा जाता है फरोशा कोटला चले गए और वहाँ जो है इन्होंने अपना नया घर बना लिया।
एक थ्योरी ये है कि वहाँ पहले से वो रहा करते थे, उनका आना जाना था, पर फिर मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने अपनी रिहाइश जो है वो फिरोजशाह कोटला में, कोटले में बना ली। जिनों के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि जिन जो हैं, अगर आप किसी पुराने ख़ानदान से जो है अगर आप रابطہ करेंगे, चाहे वो दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, या पुराने बसे हुए शहरों में, तो वहाँ की जो पुरानी हवेलियाँ हैं वहाँ एक ऐसा रहस्यमयी एक जगह होगी जहाँ जाने के लिए या तो हवेली के जो ओनर हैं वो या तो मना कर देंगे या जो है आप खुद ही, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस कोने से निकलेंगे तो आपको एक थोड़े सर्द और गर्म का एहसास होगा, एक अलग किस्म की खुशबू जो है आपको वहाँ मिलेगी। जूही, चंपा, चमेली, बेले और अक्सर जो है रात की रानी का जो फूल होता है उसकी खुशबू जो है आपको मिलेगी। तो ये कहा जाता है कि जो घरेलू जो जिन है, जिनका जो जिक्र जो है बाकायदा किताबों में आया है, और इन जिनों के नाम होते हैं जैसे जिन मामू जो है वो कहा गया है, और इनको जो है नन्हे मियाँ जो है वो कहा गया है, और एक जिन जो है जो खासा जो है बरेली, बदायूं और बाराबंकी और फैज़ाबाद और दिल्ली में जो है काफ़ी मशहूर थे, और खसूसी तौर पर शाहजहानाबाद में, उनके लिए कहा जाता है शेख सद्दू। और शेख सद्दू जो है वो इतने गुस्से वाले जिन थे कि जो है अगर उनको गुस्सा आ जाता था तो रात भर जो है जो घर वाले जो होते थे वो एक रज जगा करते थे, उनके उनके उपलक्ष में जो है हलवा बनता था, उनके उपलक्ष में पराठे बनते थे और गरीबों को खाना खिलाया जाता था, तब जाकर जो है वो उनका गुस्सा जो है वो शांत होता था। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो बुज़ुर्ग जिन हैं, ये अक्सर जो हैं ऐसे पुराने ख़ानदानों में रहते आए हैं। उसी के साथ जो है परियों का जो है वो जिक्र हुआ है कि सात तरह की परियां हैं दोस्तों, जिनमें सातों के नाम जो हैं, जैसे एक हो गई हमारी लाल परी हो गई, और दूसरी हमारी हो गई स्याह परी, तीसरी हमारी जो हो गई आसमान परी, और चौथी हमारी जो हो गई वो नीली परी, और इसी तरीके से दो तीन और हैं रंगों में ही। तो ये जो सात परियां हैं इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये सात परियां अगर किसी से रूठ जाएं तो उसका जो है मतलब पूरा मटिया मेट कर देती हैं, और किसी के साथ खुश हो जाएं तो वो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। और इन्हीं सात परियों का जिक्र जो है पूरी दुनिया में, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इन सातों परियों के बारे में जो है दादी नानी कहानियां सुनाती आई हैं। अब जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है, जबकि एक गाना भी है वो हम आपके हैं कौन जैसी एक और पुरानी मूवी बनी थी ना, जिसमें सचिन भी है, पिया का घरिया ऐसी, यू नो वो उस मूवी में है कि देखो देखो ध्रुव तारा, वो नई बहू को जो है वो तारा दिखाया जाता है। तो दो तीन रस्में हैं जो घर की, ये रस्में जो हैं ये आसमान की बलाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे जब नई नवेली दुल्हन जब आती है तो उसको ध्रुव तारा जो है वो दिखाते हैं, और ध्रुव तारा ताकि जो है उसकी तरह जो है उसकी किस्मत हमेशा चमकी रहे। और इसी तरीके से जब हाँ पारुल नदिया के पार, सॉरी मुझे ये जहन में नहीं आ रहा था, उसी तरीके से जो है जब न्यू बॉर्न बेबी लेकर जो है जब आती हैं उनकी मदर, और वो छोटा सा बच्चा जब घर आते हैं तो उनको जो है आसमान में तारा दिखाया जाता है। पर उसके साथ एक रस्म होती है, जब वो तारा दिखाया जाता है तो दो औरतें, अब ये अभी तो मुझे नहीं पता ये रस्म होती है नहीं होती है, दो औरतें उनके आजू बाजू खड़े हो जाती हैं उन माँ और बच्चे के, और एक दो तलवारें लेके, दोनों एक एक तलवार लेकर एक धनुष की तरह आसमान में जो है वो धनुष बना देती हैं, ताकि जो है कोई भी बला, कोई भी परी या यू नो कोई जिन ऊपर से आए वो ये जो धनुष से बनी हुई जो बाउंड्री है तलवारों की, इसको जो है वो क्रॉस ना कर पाए। तो इस तरीके से हमारे पुराने रस्मों रिवाज अगर हम उन्हें खंगालें और अगर हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछें तो ये कहीं ना कहीं ये परियों से, जिनों से, देव से, इन सब से जो हैं ये कहीं ना कहीं इनका बड़ा एक अटूट सा संबंध रहा है, और ये आपस में इतने मतलब अब इसका ना किसी मज़हब से कोई लेना देना है ना किसी ज़ात पात से, हर मज़हब में हर ज़ात पात में इसको अपने तरीके से जो है इसको मनाया जाता है।
पर अभी जो है इस तरह की जो बहुत सारी परंपराएं हैं वो देखने और सुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो है इनको बहुत ज़्यादा दखियानूस जो है वो करार दे दिया गया है। तो जिनों का जो ज़िक्र था वो आज के लिए इतना ही, और एक टिप जाते हुए मैं देना चाहूँगा, जब भी अगर आप बाहर निकलें और आपको एकदम से ठंड और एकदम से गर्म का एहसास हो, तो आप समझ जाएं कि कोई आपके करीब से गुजरा है। और इसी तरीके से खुशबू, हर परी की, हर जिन की अपनी एक खुशबू होती है, और ज़्यादातर जो बहुत दिलवाली परी होगी या जिन होगा, उसकी खुशबू जो है वो या तो सफ़ेद जंगली गुलाब की तरह होगी, या फिर जो है रात की रानी। अब रात की रानी के लिए भी ये कहा जाता है कि हर कोई जो है अपने घर में नहीं लगाता है, और अक्सर जो है माएँ अपने बच्चों को रात की रानी के पास भेजने से बड़ी हिचकिचाती हैं, क्योंकि रात की रानी का जो फूल है उस पर परियां और जिन रहते हैं। अब ये बड़े बूढ़े जो हैं वो कहते आए हैं, अब उन लोगों की बातें हैं। हाँ यासिर भाई, ज़रा मतलब देख के रखो आपके यहाँ खुशबू आती है, मतलब कोई परी जिन ना हो। पारुल कह रही हैं कि हाँ मेहंदी लगाकर और हल्दी लगाकर जो है वो बाहर नहीं निकलना होता है। हाँ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बाकी जो है मैं निकला था ऐसे ही, मैं कुछ सोच कर नहीं आया था कि मैं किसी तरह का जो है कोई सेशन वो करूँगा। ऐसे ही मैं ऐसी परियों वगैरह के बारे में जो है मैं ऐसे कुछ परियों वगैरह के बारे में जो है वो सोच रहा था और जिनों के बारे में सोच रहा था। तो जब मैं यहाँ से वॉक करता हुआ निकला तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरी ऐसी कोई वॉक नहीं जाती या ऐसा कोई स्टोरी टेलिंग सेशन नहीं होता जिसमें जिन्नातों का या परियों का जिक्र ना हो। और एकदम से सडनली मुझे याद आ रहा है यार, मतलब मार्च आखिरी 18 मार्च के आसपास मैंने लोगों को देखकर जो है कहानियाँ सुनाई थी, और मेरी पूरी ज़िंदगी में 10 साल का ये जो करियर रहा है स्टोरी टेलिंग का, उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना लंबा चौड़ा ब्रेक लिया हो। तो बड़ा अजीब सा है, यू नो। मतलब मैं इस जज्बात को बयान नहीं कर सकता कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइव, पहली बात तो मैं आना पसंद नहीं करता, पर मैं लाइव आऊँगा और इस तरीके से, जब तक सामने लोग ना बैठे हों और उनके चेहरे के हाव भाव ना दिखे, तब तक मज़ा नहीं आता कुछ सुनाने में। बाखुदा तो दुआ करो यार ये सब जल्दी ठीक हो जाए, ये जो वबा फैली हुई है फालतू में, ये सब ठीक हो जाए। और लाइव वाइव नहीं यार, कहानियाँ सुनने का मतलब सामने बैठ कर ही है, मतलब ये मेरा मानना है। आराम से सामने बैठो ताकि सामने वाले की भी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी से और अपनी एनर्जी जब टकराती है तो एक जानदार कहानी जो है वो निकलती है। खैर बहरहाल सर प्लान करके प्लीज़ लाइव आएँ, हमें बहुत अच्छा लगता है अपने इतिहास के को जानना। सॉरी नितिन साहब, मैं प्लान करके नहीं आया था, और मैं अगर डाल देता कि ठीक है मैं लाइव आऊँगा तो बड़ा जिम्मेदारी सी हो जाती है, अरे यार अब जाना पड़ेगा ठीक है। और मेरा पक्का नहीं था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो अम्मा जो है वो अलाउड नहीं करती हैं मुझे बाहर निकलने के लिए, और क्योंकि वो थोड़ी बुज़ुर्ग हैं, और तो मतलब सही नहीं है मैं बाहर निकलूं, और सुनने में आता है कि बुज़ुर्ग लोगों का जो है ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो घर में ही जो है वो बिताता हूँ। आजकल आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ जो है नया नया मैंने पढ़ा है, नया नया मैं जैसे मैंने एक किताब है किस्सा चाहर दरवेश बागो बहार, ये इस किताब में जो है चार दरवेशों की कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, और हज़रत अमीर खुसरो ने ये कहानियाँ लिखी थी और सुनाई थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, जब वो बीमार पड़े थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया था कि जो भी शख्स इन कहानियों को जो है वो सुनेगा और
उसकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी, या वो किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला होगा वो बाहर निकल आएगा। तो आजकल जो है मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की है और वो मैं उसको जो है पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल ऑलमोस्ट हो गई है, तो कोशिश करूँगा वो सुनाऊँ। और इसी तरीके से शाहनामा आप लोगों ने सुना हो, शाहनामा जो है फिरदौसी की है, तो ये कहा जाता है कि उसमें कई हज़ार शेर जो हैं उनको शेर को मिलाकर जो है पूरी दास्तान जो है वो तैयार की गई है। और उस पूरी दास्तान में इतने सारे शेर हैं कि और इतने अच्छे तरीके से जो है उसको, उस दास्तान को जो है वो लिखा गया है कि जब फिरदौसी इस दास्तान की रचना कर रहे थे तो महमूद गजनवी जो सुल्तान हैं गजनी के, उनको जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने जो है फिरदौसी साहब को बुलाया और उनके शेर जब उस किताब के कुछ पढ़े तो उन्होंने कहा कि जब ये किताब मुकम्मल हो जाए तो हर एक शेर के बदले जो है मैं तुम्हें एक अशर्फी दूंगा। तो जी पारुल मैं, हाँ, तो हर एक शेर के बदले जो है मैं आपको एक अशर्फी दूंगा, और हाँ प्लीज़ मेंशन द बुक नेम इन कमेंट। हाँ मैं जाने से पहले मैं लिख जाऊंगा दोनों किताबों का नाम। तो अभी फ़िलहाल जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो शाहनामा का ज़िक्र कर रहा हूँ, और जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कुछ ही ऐसे उपन्यास और दुनिया में कुछ ऐसे शाहकार लिखे गए हैं जिनका जो है पूरी दुनिया जो है उसकी कर्ज़दार है, जैसे रज्मनामा जिसे हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं, और एक शाहनामा। तो शाहनामा में जो है ईरान के बादशाहों का ज़िक्र है। तो मोहम्मद गजनवी ने जब कहा कि भैया मैं तुम्हें हर एक शेर का जो है एक अशर्फी दूंगा, जब ये मुकम्मल हो जाए किताब तो आ जाना, तो मोहम्मद जो फिरदौसी थे वो जब आए कुछ साल बाद वापस तो कई हज़ार शेर जो है वो उसमें लिख चुके थे। इतने सारे शेरों की संख्या देखकर जो है मोहम्मद गजनवी जो है वो अपना किया हुआ वादा भूल गए और उन्हें कुछ अशर्फियाँ जो हैं उनको देना चाहा उन्होंने। तो अब क्योंकि जो शायर जो लोग होते हैं बड़े खुददार होते हैं, आजकल के शायरों का तो पता नहीं मुझे, पर जो पुराने शायर जो होते थे बड़े खुददार होते थे, उन्होंने जो है वो जो पैसा जो उन्होंने दिया वो उन्होंने नहीं लिया। ये कहा जाता है कि आज की डेट में हाकिम जो है दोस्तों वो शायरों से लड़ ले, या जो है कोई भी शायर जो है किसी भी हाकिम के बारे में, किसी भी वज़ीर आला के बारे में कुछ भी लिखे तो दुनिया में कोई चर्चा नहीं होता, ठीक है। पर पहले बड़ा अलग था मामला, पहले अगर किसी मतलब बादशाह जो है मुल्कों से पंगा ले लेते थे, बड़े बड़े बादशाहों से बादशाह पंगा ले लेते थे, पर कोई बादशाह जो है वो किसी अदीब से किसी शायर से पंगा नहीं लेता था, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने किसी शायर से पंगा ले लिया है तो वो शायर उसकी शान में ऐसे ऐसे शेर लिखकर और ऐसे ऐसे अफसाने लिखकर जाएगा कि आने वाला ज़माना उसके ऊपर थू-थू करेगा। अब जब इस बात की खबर पूरी दुनिया में फैली कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी जो हैं उन्होंने फिरदौसी को जो है उनका बकाया पैसा नहीं दिया है, तो पूरी दुनिया में जो है उनकी मुखालिफत होने लगी, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। तो उन्होंने जो है जो उनका बकाया पैसा था वो सारी की सारी जो अशर्फियाँ थीं वो ऊँटों पर लदवा कर उनके घर भिजवाईं। जब तक वो घर आईं तब तक ये कहा जाता है कि फिरदौसी जो हैं उनका इंतकाल हो गया था, और काफ़ी रोज तक वह अशर्फियों का जो ढेर है वो उनके घर के सामने जो है वो लगा रहा। पर कितनी भी अशर्फियाँ हों वो शाहनामा के मुकाबले जो हैं वो हल्की ही हैं, वो कम ही हैं। तो शाहनामा में जो है कई ऐसे किरदार हैं, उसमें बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं। तो ऐसा करता हूँ कि अगला सेशन जो रखा जाए वो शाहनामा के ऊपर रखा जाए, और उसमें जैसे एक रुस्तम एक किरदार है और सुहराब एक किरदार है, और रुस्तम के बारे में कहा जाता है कि वो इतना बड़ा मतलब पहलवान था कि दुनिया में कोई नहीं था जो उसका मुकाबला कर पाए, और उसको अपने बेटे से मुकाबला करना पड़ा था, मतलब उसे पता नहीं था कि वो उसका बेटा है और उसने गलती से अपने बेटे को मार डाला था। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से और वाक्यात जो है मैं शाहनामा से आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और आप सनसेट देखते हुए मुझे इजाज़त दें, देख रहे हैं यह खूबसूरत नज़ारा, सुभान अल्लाह। चलिए खुदा हाफिज़।